आज हम बनाने जा रहे हैं रसदोपड़, या इसे हम रसदोपड़ी भी कहते हैं। और इसमें रोटी सिंपल होती है, सिंपल आटे की बनती है, लेकिन इसकी स्टाइल अलग होती है। इसमें दो परतें होती हैं रोटी की और ये बनाई जाती है। आइए आज हम आपके साथ बना रहे हैं राजस्थान की मेवाड़ की ट्रेडिशनल डिश रसदोपड़। इसके लिए हमें चाहिए आटा और नमक, और साथ में चाहिए ये पानी। ये हमने करीब 2 कटोरी आटा लिया है, जिसमें हमें स्वादानुसार 1/4 चम्मच करीब नमक डाल दिया हमने। अब हम इस आटे को रोटी के आटे की तरह, बिल्कुल सिंपल रोटी का आटा, उसी तरह हम इस आटे को हम लगा लेंगे। इसमें और कुछ भी हमें नहीं डालना है। ये हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया। अब इसे थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं। इसके में ढक के हमने इसको एक तरफ रख दिया। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हमने ये 2 आम के टुकड़े इसमें डाल देने हमें, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इसके साथ थोड़ा पानी डाल के, और हम डालेंगे शक्कर। आम का रस बना रहे हैं तो मीठा तो होना ही है। इसमें हम करीब 2 चम्मच 2.5 चम्मच शक्कर डाल देते हैं, और शक्कर की क्वांटिटी आपके आम की क्वालिटी पर निर्भर करती है। आपका आम खट्टा है तो शक्कर ज़्यादा डालिए, और कम है तो कम डालिए। अब हम इसे चर्न कर लेंगे। हमारा रस तैयार हो गया है। अब हम इसे इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। बस ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे चुटकी भर या 1/4 चम्मच सौंठ। अब आप पूछेंगे मैंने इसमें सौंठ क्यों डाली। इसमें सौंठ मैंने इसलिए डाली है कि सौंठ से ये बादी नहीं करता है। आम की तासीर गर्म होती है, ये बात कारक है, इसलिए ये सौंठ डालने से ये बादी नहीं करता। और फिर इसमें डालेंगे हम करीब 2 चम्मच पिघला हुआ घी, अब घी क्यों डाल रहे हैं, घी हम इसलिए डालते हैं इसमें कि ये इसमें हमने थोड़ी सी सौंठ और घी डाल के इसको हिला दिया है। इससे इसका नंबर एक तो इसका स्वाद बढ़ जाता है, और दूसरा इसके गुण बढ़ जाते हैं, और इसकी जो कमियाँ हैं आम के रस जो तकलीफ देने वाले होते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से भी इस आम के रस में सौंठ और घी डालना फ़ायदेमंद रहता है। ये हमारा दादी नानी का नुस्खा है, जो बुज़ुर्ग लोग ऐसा करते हैं। अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं। अब हम बनाएंगे दोपड़ी, यानी दोपड़। दोपड़ के लिए हमें गैस चालू किया है, और उस पर मैंने तवा चढ़ा दिया है। अब हम आटा लेते हैं। आटा मैंने बना के पहले रख दिया था गूंद के। अब इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला और इसको से करके मैंने रख दिया है। अब मैंने इसमें से छोटे छोटे, बहुत छोटे, बिल्कुल रोटी के आधे करीब समझ लीजिए, इतनी इतनी सी लोइयां बना लेते हैं। छोटी छोटी सी लोइयां, ये देखिए इतनी हमें रोटी से छोटी लोई चाहिए, रोटी जितनी नहीं चाहिए। ये देखिए हमने ये 4 लोई बनाई है। अब इस पे इसको हम थोड़ा सा चपटा करेंगे, इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। ये सब लोटियां छोटी चपटी करके इस पे सब पे हमने थोड़ा थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब इसे घी से इसको करा। अब इस पे थोड़ा सा ये आटा हमने बुरका है, ये जरा जरा सा हमने आटा लगाया। अब इस 2 लोई को एक के ऊपर एक इस तरह हम ये ऐसे करके ये तैयार कर देंगे। ये दूसरी भी हम इसी तरह आटा किया, इस पे डाला, और ये हमने दोनों कर दिए। अब इसे हम आटे में लपेट के, सूखे आटे में अब इसे बेलेंगे।
बहुत सही से हल्के हाथ से बेलना है, हमें एक सरखा बेलना है, कहीं ज़्यादा दम लगा के और कहीं कम दम लगा के नहीं, पूरा एक जैसी ताकत के साथ हम इसे बेलेंगे ताकि वो हमारी परतें अच्छे से खुल जाएं। इसे हम दोपड़ भी कहते हैं। ये रोटी को हमने पलट लिया और फिर अब इसे हम दूसरी रोटी से दबाकर इसे सेक लेते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी सी सिक गई है। अब इसे हम पकड़ के यो खड़ी, देखिए अब ध्यान से देखिए तो खड़ी हमने इसको डाली है। ये अब इसे हमने यूँ किया ना, अब चाहे तो इसमें कपड़े से भी पकड़ सकते हैं, पेपर नैपकिन से, रसोई के नैपकिन से। इसमें फिर अंदर हमने इसको घी लगाया। ये रोटी चारों तरफ से चुपड़ी जाती है, ये इधर, ये इसी तरह इसको फोल्ड करके परोसा जाता है। ये हमारी एक तैयार हो गई है। अब हम दूसरी लोई लेंगे। इसी तरह हमने दो लोइयों को मिला के ये जो बना रखी है, इसी तरह जैसे मैंने आपको बताई थी, अब इसे हम एक और मैं आपको बना के बता रही हूँ। देखिए इस तरह से इसको बेलेंगे हल्के हाथ से। ये हमने गैस पे डाल दिया। ये अब इसे हमने पलट दिया है। ये रोटी कभी गैस के ऊपर नहीं फुलाई जाती, इसे तवे पर ही सेकनी रहती है। जैसे पराठा सेकते ना उसी तरह बस, लेकिन इसमें हमें घी तेल कुछ भी नहीं डालना है, हमें खाली इसी तरह से सेकना है। ये हमारी रोटी तैयार है, जिसे हमने वापस उसी तरह से करके करा है। ये हमें खड़ा इसके क्यों करते हैं, इसलिए कि ऐसा करने पर इसकी दोनों परतें अलग हो जाती हैं। ये इसमें हमने हमें इसे अलग करनी है, लेकिन पूरी अलग नहीं करनी है, थोड़ी सी एक किनार से हम जुड़ी रहने देते हैं। और फिर इसे वापस किया, यहाँ वापस घी लगाया। अब मैं ये वाला दूसरे तरीके से बता रही हूँ। पहले हमने दो छोटे छोटे लोई लिए थे, दो छोटी छोटी लोइयों को जोड़ के हमने बनाया था। अभी हमने एक बड़ा लिया, दोनों का दो लोई के बराबर का ही एक लोई है। अब इस पर हमने घी लगाया, वही चीज़ बना रहे हैं हम, दो पर ही बना रहे हैं दो पर, लेकिन अलग स्टाइल से। ये देखिए आप, ये डाला। अब इसको हमने बीच में से, क्योंकि हम पहले दो अलग अलग लिए थे, दोनों को किए थे, ये हो गया, हमने एक ही में ये चीज़ दोनों को कर ली। ये अब इसे बेल लेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले वाली बेली थी, और उसी तरह हमने सेक लिया। सिर्फ ये बनाने का स्टाइल अलग है, आपको जो पसंद है, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। चाहे तो दो अलग अलग लोइयां बना के चिपका लें, चाहे तो एक एक से दो हिस्से करके उससे कर लें, चीज़ एक ही बनने वाली है। ये बस ये भी हमारी तैयार हो जाएगी। बंद कर। ये हमारी रस दोपड़ तैयार है।
ये राजस्थानी डिश बहुत अच्छी लगती है, मेवाड़, स्पेशली मेवाड़ की। ये दोपड़ वाली रोटी, जिसे दोपरी भी कहते हैं और दोपड़ भी कहते हैं, इसे स्पेशली रस के साथ खाया जाता है। और जिसमें मैंने आपको बताया ना, इसमें रस में ट्रेडिशनल क्या है कि इसमें सौंठ और थोड़ा सौंठ का पाउडर और घी डाला हुआ है, जिससे ना तो ये वादी करता है और रस की जो गर्म तासीर है वो भी ठंडी हो जाती है घी डालने से। देखिए आप भी बना के देखिए, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ट्रेडिशनल और बहुत सुंदर है, और खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है। आखिर होगी, हमारी परंपरागत डिश है ये, हमारी रस और दोपरी बन के तैयार होगी। अब हमें ये तो हमने रखी, लेकिन रस को हमें गार्निश करना है। इसके लिए हम डालेंगे इसमें चुटकी भर सौंठ, ऊपर से थोड़ी सी, नहीं इसके पहले हमें डालना है इसमें 1 चम्मच देसी घी, थोड़े से पिस्ता फ्लेक्स, और थोड़े से हमको बादाम फ्लेक्स डालना है। बस ये हमारा हो गया। बस ये हमारी रस और दोपहरी तैयार है। रस तो मैंने आपको बताया पहले भी कि सौंठ हमने इसलिए डाली है कि ये रस की जो तासीर है, आम की जो वादी करने की है, वो सौंठ से कटती है वादी, और ये वादी नहीं करता। और क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसमें घी डाला जाता है। और ये हमारा दादी नानी वाला नुस्खा है, बुजुर्ग सालों पुराना, बुजुर्गों का, जिससे कि आम की रस की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही हमने दोपरी बनाई है, जो मैंने आपको बताई, ये देखिए एक-एक इसकी परत खुल रही है। देखिए इतनी नरम और सॉफ्ट, और ये देखिए ये एकदम। और इसको हमने क्या है, इसका तरीका है कि इसको हम बना के हम डब्बे में बंद करके रखते हैं एक के ऊपर एक, ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाती है। और ये मेवाड़ की बड़ी ट्रेडिशनल डिश है, रस के साथ दोपरी या दोपड़, रस दोपड़ कहते हैं इसे, या रस दोपरी कहते हैं। आप भी एंजॉय कीजिए और ज़रूर बनाइए।